तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अरस्तु। और अगर ये पूछता है आपसे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक है फ्रांस के लेमार्क एंड दूसरे जर्मनी के वैज्ञानिक है, उनका नाम है ट्रेवी रेनस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, यानी कि लेमार्क वैज्ञानिक ने जैव विकास सिद्धांत को सर्वप्रथम समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैसे कि चिकित्सा शास्त्र है, एक वनस्पति शास्त्र है, इसी प्रकार जैसे जीव विज्ञान इसी प्रकार एक चिकित्सा शास्त्र है, इसका जनक किसको कहते हैं, तो इसका जनक कहते हैं हम हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट अपना है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहते हैं। नेक्स्ट अपना है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं, यानी कि इन तीनों में से आपको याद रखना है, तीनों में से एक तो हिप्पोक्रेटस, एक थियोफेस्टस, एक लेवोजियर, ये चारों ऑप्शन में रहेंगे आप में, और इसमें से पूछा जाएगा चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र, यानी कि इसका जनक किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु है, जबकि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है, एवं वनस्पति शास्त्र यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, और जबकि केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान हम बोलते हैं उसके जनक हैं लेवो जियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मानव का विकास एवं इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, यानी कि जो मानव है इसका विकास और इसका जो हिस्ट्री है, यानी इस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास एवं उसकी हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी तो एक वैज्ञानिक है ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है अपना, जो ग्रह के जो नियम हैं उनको किसने प्रतिपादित किया, तो इसमें नाम आता है केपलर का, यानी कि जोन्स केपलर ने ग्रहों के नियम को बताया था। नेक्स्ट है, ई बराबर एम सी सी स्क्वायर, यानी कि जो आइंस्टीन ने एक सिद्धांत है आइंस्टीन का, उसका फॉर्मूला ई बराबर एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट अपना है, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। ये क्वेश्चन वैज्ञानिकों पर आधारित है, यानी कि किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना है, जो न्यूटन है, न्यूटन ने किसके नियम दिए थे, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, जबकि गैलीलियो ने जड़त्व के नियम दिए थे। और प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक वरण सिद्धांत है इसको सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। आगे है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपका किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। एक ये नेचुरल बोल दो या विकास बोल दो, एक ये आंसर चार्ल्स डार्विन यही आएगा दोनों में। और जबकि आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें किस पौधे पे इन्होंने प्रयोग किए थे, तो वह पौधा था मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का, यानी जो आनुवंशिकता विज्ञान है ना उसको आनुवंशिकी कहने वाले वैज्ञानिक का नाम है डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, जबकि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है, यानी कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो वो क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट है अपना, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोहानसन है, यानी कि जीन शब्द है ना उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते हैं जोहानसन वैज्ञानिक, उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट अपना, जो जीन शब्द का प्रयोग तो जोहान से नहीं किया, लेकिन जीन कहाँ रहते हैं, तो ये गुणसूत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, यानी एक सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक है बिडम एम टेटम, बिडम एम टेटम दो वैज्ञानिकों ने, एक जीन एक एंजाइम, यानी कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बिडम एम टेटम ने। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है, यानी जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो वो उसका कारण है हीमोग्लोबिन के कारण अपना खून जो है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व तो पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जैसे कि पालक होता है हरी सब्जियों में भी लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी कि हीमोग्लोबिन से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। और अगर हमारा रक्त जो है लाल रंग का जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है, किस कारण से नहीं जमता है, उसका कारण है हीमोफीलिया रोग, एक रोग होता है हीमोफीलिया रोग हो जाने से खून का थक्का नहीं जमता है।
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि शरीर के अंदर रक्त जो होता है वो जमता नहीं है कई बार, तो जमने से रोकता है, यानी कि जमने से रोकने वाले प्रोटीन का नाम है हिपेरिन नामक प्रोटीन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, यानी कि जो हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से रोकता है, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, यानी उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत होता है ना शरीर का, उसमें इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, अगर रक्त का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड है जो लाल रंग का होता है उसका अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, और रक्त के थक्का बनने में सहायक, यानी कि रक्त का जो थक्का बनता है उसमें सहायता कौन करता है, जो हमारे शरीर में प्लेट होती हैं प्लेटलेट्स, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं जो रक्त के अंदर थक्का बनाने में सहायक होती हैं, उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है पलिया में, तो पैसे प्लेटलेट्स और पलिया। रक्त का थकने में थक्का जमने में सहायक विटामिन, यानी कि एक विटामिन होता है जैसे विटामिन ए बी सी डी ई, ये जो विटामिन होते हैं उनमें से एक विटामिन है के विटामिन, जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग होता है, यानी कि जो रुधिर होता है उसका तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, यानी कि जो रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% होता है। पदार्थ की तीन अवस्था आपने सुनी होंगी, ठोस द्रव गैस, तो चौथी अवस्था होती है उसका नाम है प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु, यानी कि जो रक्त में हमारी धातु पाई जाती है उस धातु का नाम है लोहा, और लोहा हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, यानी कि जो पलिया होता है अपने शरीर में जिसको स्प्लीन बोलते हैं, उसको हम पलिया कहते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी शमशान घाट किसको कहते हैं, आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान हम पलिया को कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, और लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है कितना, 120 दिन, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं डब्ल्यूसी उसका जीवन काल होता है 1 से 2 दिन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, यानी जो अपना ब्लड बैंक होता है ना ब्लड बैंक, उसमें रक्त को रखा जाता है। ब्लड बैंक बैंक में पैसे रखे जाते हैं, वैसे एक ब्लड बैंक होता है उसमें ब्लड को रखा जाता है। जो ब्लड रखा जाता है उसको किस तापमान पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फारेनहाइट पर रखा जाता है, 40 डिग्री फारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं, यानी रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त होता है ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी प्रकार का और ओ प्रकार का, 4 प्रकार के रक्त होते हैं। और जो रक्त होते हैं 4 प्रकार के, इसके समूहों की खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक है लेड स्टिनर ने इसकी खोज की थी। सर्वदाता यानी जो सबको रक्त दे सकता है वह है रक्त समूह है ओ, जबकि जो सबसे रक्त लेने वाला होता है उसको हम ए बी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक है उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। नेक्स्ट है अपना राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप, यानी कि जो राइजोम पादप होता है उसका भूमिगत प्रारूप होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम जीवाणु होता है वो दलहन के जड़ में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट नहीं होते, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि ये जनरल साइंस में टॉप 1000 क्वेश्चन ये हैं जो कि बार बार घूमते रहते हैं। तो मैं आपको 2 वीडियो में ये 1000 क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपको साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी, साइंस के क्वेश्चन इन्हीं में से 80% इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट अपना है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, यानी जो पादप होते हैं पादप में जल भी चाहिए पादप को और खनिज भी चाहिए, तो उनका संचालन कौन करता है, तो उनका संचालन करता है जाइलम। जबकि पादपों में जल और खनिज का संचालन तो जाइलम करता है, तो एक इनमें खाद्य पदार्थ का संचालन कौन करता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होता है उसका फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, यानी कि जो पौधा होता है उनकी तने की जो वृद्धि है ना कैसे मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है ऑक्सीजनोमीटर, के द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आत्मघाती की थैली किसको कहते हैं, जो लाइसोसोम होता है उसको आत्मघाती की थैली कहते हैं। नेक्स्ट अपना है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और लाइसोसोम को आत्मघाती हत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी, दो वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी,
वो डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कोनबर्ग। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जबकि जोहानसन एवं क्रिक दोनों ऑप्शन में रहेंगे, जबकि कोनबर्ग भी ऑप्शन में रहेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, डीएनए की खोज अगर पूछेगा कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक आएगा, जबकि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, प्रतिपादन यानी संश्लेषण का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कोनबर्ग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों एक अमल हैं, और कौन सी अमल है, न्यूक्लिक अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, जो डीएनए होता है उसको क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, यानी कि वाटसन और क्रिक ने, यानी डबल तो डबल वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए की जो इकाई है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, यानी कि एक वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना ने जीन जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संकर, यानी कि पुरुष का जो होता है उसमें एक्स वाई होते हैं, जबकि स्त्री में डबल एक्स होते हैं, तो पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में डबल एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, यानी कि जो लड़का होता है वह पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है, वह प्राप्त करता है 22+Y, और वाई से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी कि एक्स वाई के द्वारा, जो एक्स वाई है ये पिता में पाया जाता है जबकि मादा में डबल एक्स से पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पितृत्व सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि पिता मतलब इसी का पुत्र है ये साबित करने के लिए हमको डीएनए की जरूरत पड़ती है और फिंगरप्रिंट की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वेंटिंग एवं वेस्ट। वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंसुलिन शरीर में बनता है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, अग्नाशय के द्वारा शरीर में इंसुलिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, यानी कि जो एक रोग का नाम है ये ब्रोंकाइटिस एक रोग का नाम है, एक रोग है ब्रोंकाइटिस, और ये रोग किस में होता है, ये श्वास नली में होता है, जो अपना नली है श्वास नली उसमें एक रोग होता है उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेप्सिन एक उदाहरण है, यानी कि पेप्सिन किस टाइप का उदाहरण है, पेप्सिन एक एग्जांपल है एंजाइम का। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, यानी कि आपको पूछेगा एग्जाम में टॉक्सिन है, टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम कहाँ है ये मलेरिया रोग का परजीवी, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है, मलेरिया रोग का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक पूछेगा, तो मादा एनाफिलीज है मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जो रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो अपना पलिया को प्रभावित करता है मलेरिया रोग, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, यानी कि जो मानव मूत्र होता है उसमें कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी होता है, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान आपका होता है 6, मूत्र का पीएच मान होता है आपका 6। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे अपना ब्लड होता है उसका ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है, जबकि मूत्र का जो पीएच मान होता है वह होता है 6। आपको मैं बता दूँ पीएच जो वैल्यू होती है यहाँ से ऐसे होती है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 7 तक होता है, 7 से यहाँ 14 तक होता है, नहीं पीएच पैमाने पे 0 से 14 तक अंक होते हैं। अगर 7 किसी की वैल्यू है तो वह उदासीन है, और अगर 7 से कम है तो सारी है, और 7 से अधिक है तो वह है अमलीय। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, मूत्र का जो रंग होता है वो यूरो पीला होता है, मूत्र का जो रंग होता है ना वो पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। मेंढक के हृदय में 3 होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 भाग 3 हृदय होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, यानी कि मेंढक में 3 होते हैं जबकि मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा, शरीर का अगर किसी के शरीर का वेट है उसमें से 10% होता है वो उसका जल की मात्रा होती है शरीर में। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, यानी कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल होता है, और मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, एक फारेनहाइट में होता है, एक सेंटीग्रेड में होता है, एक केल्विन में होता है। अगर केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 37 डिग्री होता है, जबकि फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, अधातु पूछेगा तो पारा आएगा इसमें, और अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमिन आएगा। ध्यान रखें दोनों ऑप्शन में आएंगे, पारा भी आएगा ब्रोमिन भी आएगा। ब्रोमिन कब करना है आपको, जब अधातु दिया हो तब ब्रोमिन करना है, और जब धातु के बारे में पूछा गया हो तब आपको पारा करना है। विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को एमीटर बोलते हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, एक अदिश राशि होती है एक सदिश राशि होती है, तो आपको दोनों में से एक को याद रखना है ताकि एक पता रहेगा आपको कन्फर्म, तो ये नहीं है तो वो आप ऑटोमेटिक आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो आप मैं आपको ये कहूँगा सदिश राशियाँ कम होती हैं, इसलिए आप सदिश राशियों को याद कर लीजिए, बाकी जो बच गई वो सभी अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, अदिश राशियाँ आपकी हैं कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल, कार्य ऊर्जा ताप समय चाल आपके अधिश राशि हैं, जबकि सदिश राशियों में त्वरण बल विस्थापन और संवेग ये सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अपना तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, तत्व होता है उसका सबसे छोटा भाग तो परमाणु कहलाता है, जबकि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट की बात करेंगे, ये भी आप याद रखना दोनों ऑप्शन में रहेंगे परमाणु और अणु। अणु कब करना है, जब यूनिट के बारे में पूछे, और सबसे छोटे भाग की बात करें तब परमाणु आपको आंसर देना है। परमाणु में क्या क्या होते हैं, परमाणु तीन कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु तीन कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आज बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे जे थॉमसन, जबकि प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, जब और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। यानी कि आपको तीनों याद रखने हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित कण पाया जाता है, प्रोटॉन पे धनावेशित, जबकि न्यूट्रॉन पे एक आवेशहीन कण होता है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन होता है, प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, यानी कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, यानी कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी कि परमाणु के जो नाभिक, परमाणु जो नाभिक पाया जाता है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, और परमाणु के नाभिक में होते हैं। नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की, जबकि नाभिक में होते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक तत्व के परमाणु में, एक तत्व है उसके परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, यानी कि तत्व है, तत्व में प्रोटॉन मान लो या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई भी मान लो दोनों बराबर ही हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यानी किसी तत्व है उसमें इतने प्रोटॉन हैं या इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वह उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि परमाणु क्रमांक जिसके समान होते हैं और जबकि द्रव्यमान भिन्न होगा, परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान भिन्न होगा वह क्या कहलाता है, यानी कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वह समस्थानिक कहलाता है। तो आपको याद रखना है एक ये ट्रिक है कि परमाणु क्रमांक पूछेगा, परमाणु क्रमांक समान है तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, जबकि द्रव्यमान संख्या समान है तो उसको हम बोलेंगे समभारिक, यानी कि द्रव्यमान समान है तो यानी भार समान है, द्रव्यमान समान होने पर समभारिक और परमाणु क्रमांक समान होने पर समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, यानी कि मेंडलीफ वैज्ञानिक ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको प्रस्तुत किया था, और आवर्त सारणी के उद्रग या क्षितिज स्तंभ कहते हैं, यानी कि जो उद्रग स्तंभ होते हैं उसको वर्ग कहते हैं जबकि क्षितिज को हम आवर्त कहते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ याद रखना क्षितिज जो होते हैं क्षितिज को हम आवर्त बोलेंगे, उद्रग को हम वर्ग बोलेंगे। तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पे कटिंग है ऐसे तो इसमें भी ऊपर में मात्रा वर्ग है, ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहता है तो आप याद रखिएगा क्षितिज में तीन वर्ड हैं वो आवर्त में तीन वर्ड हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आवर्त सारणी का पहला तत्व जो हाइड्रोजन है उसको आवर्त सारणी का पहला तत्व माना गया है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉब रेनियर, यानी कि तत्व जो है उनका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डॉब रेनियर वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग पाए जाते हैं जबकि सार्ध आवर्त पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लोन के, यानी कि नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं टेफ्लोन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाते हैं, यानी कि जो अयस्क है उसमें जो अशुद्धि पाई जाती है उसको हम गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि, यानी कि एक धातुकर्म विधि है उसके द्वारा हम खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो धातुकर्म विधि के द्वारा हम खनिज और लोहे से धातु प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग, बर्तन होते हैं उनमें कलाई के लिए काम में लिया जाता है अमोनियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है, यानी कि बेरियम तत्व के कारण पटाखों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, यानी कि आतिशबाजी यानी पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें लाल रंग जो होता है चटक होता है वो किसके कारण, स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण, और स्ट्रोंशियम को SRB हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को बोलते हैं, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि जिसको LPG हम बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम घरेलू काम में लेते हैं, जो हमारे रसोई में किचन में काम लेते हैं वो LPG गैस, उसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयल का नियम लागू होता है, यानी कि बोयल का जो नियम लागू होता है वो नियत तापमान पर बोयल का नियम लागू होता है। NTP जिसको हम बोलते हैं सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, यानी कि किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, किस पर, सामान्य ताप एवं दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो सिगरेट होती है, जो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर काम में लेते हैं, उस लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, उस लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। लाइटर में 4 अक्षर हैं, ब्यूटेन में 4 अक्षर हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो याद रखिएगा, लाइटर 4 अक्षर तो ब्यूटेन 4 गैस 4 अक्षर आपको ऑप्शन में मिलेगा, ब्यूटेन प्रोपेन ऐसे मिलेगा तो आप ब्यूटेन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्ल वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम बोलते हैं SO2 तथा NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम CaOCl2 बोलते हैं, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CaOCl2 होता है, उसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसको बोलते हैं, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, यानी कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहले रेशे का नाम है नायलोन, जबकि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कौन सा, कृत्रिम में 3 अक्षर, रेयान में 3 अक्षर, तो कृत्रिम रेशा आपका रेयान। जीवाश्म जो होते हैं उनकी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक विधि होती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करके हम जीवाश्म की उम्र ज्ञात कर सकते हैं जो जीव होते हैं उनकी, जबकि जो पुरानी पुरानी चट्टानें होती हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हमें यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करना होता है पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, जबकि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हमको रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है, जो फ्लोरीन है ना वो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो शहद होता है उसमें क्या पाया जाता है, शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, शकरा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उनको खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक अम्ल होता है उस अम्ल का नाम है बेंजोइक अम्ल। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, जबकि असत्य फल उत्पन्न होता है बीजाणु से, यानी कि जो सत्य फल तो आपको किससे प्राप्त होता है अंडाशय से, जबकि असत्य फल किससे प्राप्त होता है बीजाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल, तो पौधे होते हैं उनका प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी के अंदर फल का अध्ययन करते हैं, जो कि फूलों का अध्ययन हम किस में करते हैं एंथोलॉजी में। यहाँ पे याद रखना, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन में आएंगे, आपको फल भी आएगा और फूल भी आएगा, तो फल के बारे में पूछेगा तो पोमोलॉजी बोलना है, जबकि फूलों के बारे में पूछेगा तो एंथोलॉजी बोलना है। और जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, B और C दोनों विटामिन जल में विलेय हैं, जबकि बाकी के विटामिन वसा में विलेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन जो बच गए बी और सी को छोड़कर, जैसे कि A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग की बात करेंगे तो उसमें नाम आता है सेरेब्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि मस्तिष्क में प्रभावित होता है, जब मानव को अल्जाइमर रोग हो जाएगा तब उसका अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तिखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसके द्वारा हम इत्र की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों पाए जाते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर यानी कि जो गन पाउडर होता है उसमें कौन क्या क्या मिलाया जाता है? उसमें सल्फर चारकोल एवं सोरा, सल्फर चारकोल एवं सोरा में गन पाउडर बनता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, यानी कि जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार किस कारण से होती हैं? वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशुद्धियों से द्रव का गतनांक बढ़ता है, यानी कि जो अशुद्धि होती है ना उसमें द्रव का गतनांक बढ़ता है, कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, यानी कि क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी भी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज होता है, यानी कि प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वह है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरएनए का मुख्य कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं।